क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमारा सिंगल आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक से बना हुआ है जो कि कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट है। वन ऑफ द ब्लॉक हैज थिकनेस D1 एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 एंड द अदर हैज थिकनेस D2 एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2 एज शोन इन द फिगर। ये हमको यहाँ पर फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है जिसमें K1 हमारे एक ब्लॉक का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और दूसरे ब्लॉक का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2 दिया हुआ है, जिनकी थिकनेस फर्स्ट वाले की हमको D1 दी हुई है और सेकेंड वाले की थिकनेस हमको D2 दी हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D इक्वल टू D1 प्लस D2 एंड इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K। इस ओवरऑल हम अरेंजमेंट को अज्यूम कर सकते हैं कि एक पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा जो कि किस थिकनेस से बना होगा, कंप्लीट थिकनेस D से बना होगा, यानी कि D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। ठीक है, और इसका ओवरऑल जो नेट कैपेसिटेंस होगा, यहाँ पर हमें नेट कैपेसिटेंस हमने अज्यूम किया है वो क्या होना चाहिए, K होना चाहिए, राइट। तो आगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देन K इज दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D एंड इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K, देन K इज, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि अगर हम इस पूरे अरेंजमेंट में बोल दें कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमारा थिकनेस उनके बीच में, अगर हम अज्यूम कर ले कि टोटल हम थिकनेस ले लें डी, है ना, और यहाँ पर इसका ओवरऑल अगर हम K1 और K2 अगर हमको डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कॉन्स्टेंट, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स दिए हुए थे, तो इसका K अगर हम ओवरऑल अज्यूम करें तो इस K की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमसे यहाँ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1, दूसरा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2, तो यहां पर इसको हम अज्यूम कर सकते हैं दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और वो भी कैसे, सीरीज में लगे हुए हैं, है ना, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह इसको अज्यूम कर सकते हैं हम, और ये दोनों ही कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज कर लेते हैं फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस कितना हो गया C1, सेकेंड वाले के कैपेसिटेंस को सपोज कर लेते हैं कितना हो गया C2। अगर हम ओवरऑल कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कितना हो गया C, जो कि किसके बराबर होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है। तो यहाँ पर थिकनेस ओवरऑल इसकी क्या ले ले, अगर D ले ले जो कि होगी D1 प्लस D2 और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना ले ले K। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना चाहिए इस अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं इस K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें वो फाइंड करना है। तो क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं दो कैपेसिटेंस हैं और वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम K की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2 निकालने वाले हैं। देखो किस तरीके से, क्योंकि दो कैपेसिटेंस यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जो कि बराबर होगा किसके, C2 प्लस C1 के, राइट। लेकिन अगर हम यहां से C इक्विवेलेंट निकालें सो हमारा C इक्विवेलेंट यहां से क्या आने वाला है, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि C1 C2 upon C1 plus C2। अब अगर हम यहाँ बात करें C1 की, तो यार कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D और टाइम्स में क्या आता है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K। अगर हम यहाँ फर्स्ट वाले को देखें तो फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस हमने लिया है C1, तो C1 हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ पर हमारी एरिया जो है प्लेट्स का वो नहीं दिया हुआ है, अज्यूम कर लेते हैं हमारी प्लेट्स का एरिया क्या हो गया अगर A, तो क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट को हाफ हाफ काट तो नहीं रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर एरिया जो रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, राइट। सो एरिया यहाँ पर कैसा हो गया, सेम। अगर हम C1 निकालेंगे सो हम C1 क्या लिखेंगे, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पर C1 के लिए जो थिकनेस हो गई इस फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस के लिए, जो हम बोले प्लेट का सेपरेशन हो गया वो कितना हो गया D1, तो यहाँ पर हम C1 के लिए क्या लिख सकते हैं, अपॉन D1, और इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है K1, तो C1 का एक्सप्रेशन हमारा क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 K1।
अगर हम C2 निकालें तो C2 यहां से हमको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय वहां पर उन दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है D2 और कांस्टेंट कितना दिया हुआ है K2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2। अब बस C1 और C2 की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करके नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, और नेट कैपेसिटेंस हमने एक यहां भी निकाला था, है ना, जो कि था कितना, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू में के। ठीक है, ये एक नेट कैपेसिटेंस हमारा ये भी था, तो हम यहां पर नेट कैपेसिटेंस अगर लिखेंगे, इस सी इक्विवेलेंट की जगह पर लिखेंगे नेट कैपेसिटेंस, जो कि कितना है एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। ठीक है, और ये डी कितना है के डी, और यहां पर डी कितना है D1 + D2। ठीक है, तो इसके इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा, देखो C1 का ये एक्सप्रेशन है और C2 का ये एक्सप्रेशन है। इसको हम सॉल्व करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, नेट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय D1 और मल्टीप्लीकेशन में K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय D2। ठीक है, और अपॉन में कैसा था, दोनों प्लस में थे, यानी कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट और ए को कॉमन ले ले, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच रहा होगा, K1 upon D1 + K2 upon D2, राइट। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से हम देख सकते हैं, यहां से एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ए और ए यहां से क्या बन गया, ए का स्क्वायर। ठीक है, और इधर ऊपर क्या बच रहा है, K1 × K2, यानी कि K1 K2 और अपॉन में क्या चल रहा है, D1 D2, राइट। और होल अपॉन में नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए K1 upon D1 + K2 upon D2 को अगर हम LCM लेके सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा K1 D2 + K2 D1। ठीक है, और उसके भी अपॉन में क्या चल रहा है, D1 D2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो एक एप्सिलॉन नॉट को एक एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, एक ए को एक ए से कैंसिल, यहां से D1 upon D2 कैंसिल, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 और अपॉन में हमारा क्या बच रहा है, अपॉन में बच रहा है K1 D2 + K2 D1। ठीक है, इसको हम रखेंगे C equivalent के, जो कि हमने यहां लिखा था। ठीक, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या आया है अभी, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में आप देख सकते हो क्या आया है, K1 D2 + D1 K2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा आया है। यहां से फिर से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, और इस डी की जगह पर अगर हम D1 + D2 रखें तो ये D1 + D2 उस तरफ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो के हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, के के लिए एक्सप्रेशन हमारा क्या आएगा, K1 K2, डी इधर उठ के मल्टीप्लीकेशन में आएगा और डी किसके बराबर है, D1 + D2। सो अवर फाइनल एक्सप्रेशन विल बी K1 K2 ब्रैकेट में D1 + D2 होल अपॉन K1 D2 + D1 K2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अब हम ऑप्शंस चेक करें अगर, तो NCERT में यहां पर हमारा प्लस नहीं, यहां पर हमारा मल्टीप्लीकेशन है और उसके अपॉन में यहां पर K1 D1 + K2 D2 कर दिया है, और आंसर इसका आंसर शीट में सी ही ऑप्शन गिवन है। आई थिंक यहां पर ये मिसप्रिंट हो गया होगा, D1 की जगह पर D2 आएगा और D2 की जगह पर D1 आएगा, इसलिए फिर भी हम करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी को ही चूज करेंगे, क्योंकि अदर यहां पर और सिमिलर ऑप्शन यहां पर है नहीं है जो कि हमारा इस आंसर से मैच करता हुआ हो, राइट। सो अवर करेक्ट एक्सप्रेशन क्या आया है, K is equal to K1 K2 D1 + D2, जो कि हमारा D था, अपॉन में K1 D2 + D1 K2, राइट। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन NCERT के सॉल्यूशन में सी ही हमको करेक्ट आंसर दिया हुआ है, लेकिन सी के अपॉन में यहां पर आप देख सकते हो K1 D1 है, जबकि हमारे में क्या आया है, K1 D2 आया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर ये वाला होगा, ये ऑप्शन होगा हमारा, लेकिन ऑप्शन यहां पर ऐसा गिवन है ही नहीं। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।